वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग टिप्स एंड केयर। फ्रेंड्स, गर्मियाँ एकदम से बहुत तेज़ हो गई हैं, टेम्परेचर 40 डिग्री के अराउंड पहुंच गया है हमारे यूपी में, आगरा में भी, और प्लांट्स की हालत जो है बहुत एकदम से बिगड़ने लगी है। तो हम ऐसे छोटे छोटे कौन से ऐसे जो है रेमेडीज़ कर सकते हैं जिनसे हम जो है अपने प्लांट्स को सेव कर सकें, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और मैंने कैसे अपने बालकनी की सेटिंग समर के लिए चेंज करी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ ग्रीन नेट लगवा दी है इस वाले एक पोर्शन में, और उस पोर्शन में मैंने वो प्लांट्स रख दिए हैं जिनको बहुत हल्की हल्की सी धूप चाहिए ताकि जो है वो प्लांट सेव हो सकें। यहाँ कॉर्नर में मैंने ये शेल्फ रख दी है, ये मैंने अभी समर के लिए ही सेटिंग चेंज करी है। विंटर में ये जो है शेल्फ मैंने स्टार्टिंग में ही रखी हुई थी। यहाँ मेरे कुछ विंटर के प्लांट्स हैं जो अभी ब्लूमिंग कर रहे हैं, मैंने उनको इस शेल्फ पे सेट कर दिया है, और आगे मैंने ग्रीन नेट भी लगवा दी है क्योंकि यहाँ पर भी उनको 4-5 घंटे की सनलाइट मिल रही थी। ईस्ट फेसिंग मेरी बालकनी है फ्रेंड्स, इसे सुबह से ही सन निकलते ही इनके ऊपर धूप आ जाती है। और कुछ देखिए पिटूनिया वगैरह हैं जो अभी लाइव हैं और थोड़ी बहुत फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो वो मैं इनको शेल्फ में ऐसे नीचे की तरफ अंदर की तरफ कर देती हूँ दोपहर के समय, और फिर शाम के समय इन्हें बाहर निकाल देती हूँ। ये एक लांचू वगैरह है हमारे, देखिए डॉग फ्लावर में भी बर्ड्स आ रही हैं, पिटूनिया में भी अभी कुछ फ्लावरिंग हो रही है। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है, ये काम तो भर जाता है फ्रेंड्स, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें, प्लांट्स को बचाना भी है। ये अलाइसा में देखिए पुराने सारे सूख गया है लेकिन अंदर से न्यू आ रही हैं, तो इसलिए इसको भी जो है मैं बचा रही हूँ। और इस कॉर्नर पे मैंने यहाँ पर जो है ऐसे प्लांट रख दिए हैं जिनको 4-5 घंटे की सनलाइट रिक्वायरमेंट होती है। ये जेड प्लांट है तो इसको भी सनलाइट चाहिए, तो मैंने ये नेट लगाते समय वो कॉर्नर छोड़ दिया, थोड़ा इधर से लगवाया इसीलिए ताकि मेरे उन प्लांट्स को जो है धूप मिलती रहे। उधर मैंने कॉर्नर में जो है हिबिस्कस का प्लांट रख दिया अपना, क्योंकि हिबिस्कस को भी गर्मी में भी 3-4 घंटे की धूप चाहिए। लेकिन मैंने देखिए दीवार के सहारे इस तरीके से रखा है, जैसे कि श्रिम्प है बिल्कुल दीवार के सहारे रखा है, इसको बहुत हल्की सी धूप मिलती है। देखिए गर्मी में ये जीनिया कितनी जल्दी जो है स्पेंड हो गया। अब ये विंका है, ग्लाडिया है, हमारे जो भी समर के प्लांट भी हैं, लेकिन फ्रेंड अगर जिनको मैंने जब नेट नहीं लगवाई थी तो इनके फ्लावर जो है सेकंड डे ही बिल्कुल मुरझाए हो जाते थे, फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती थी, इसलिए फिर मैंने ग्रीन नेट लगा के जो है इस वाले स्टैंड पे वो रख दिए हैं। और अपने ये देखिए क्रैसेंथेमम भी फ्लावरिंग कर रहा है, उसको भी मैंने नीचे कोने में रख दिया है। तो आप भी फ्रेंड्स जो है अपने जो ऐसे प्लांट्स जिनको आपको कम धूप देनी है उनको ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए, और जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत है जैसे हमारे हिबिस्कस वगैरह हैं उनको 4-5 घंटे की सनलाइट चाहिए, बोगनविला वगैरह हैं, तो उनको ऐसी जगह पर प्लेस करिए। और ये देखिए प्लांट जब हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो छोटी छोटी प्रूनिंग आप साथ साथ कर सकते हैं। मैंने ये जट्रोफा का प्लांट है ऊपर से कट कर दिया है और नीचे से इसमें से शूट्स निकल रही हैं। और एक ज़रूरी काम, दिन में कम से कम 2 बार स्प्रे ज़रूर करती हूँ, एक बार मॉर्निंग के समय 8 बजे करीब स्प्रे कर देती हूँ, और एक बार फिर इन पर करीब 12-12:30 बजे एक बार फिर इनको इनके ऊपर पानी का स्प्रे कर देती हूँ, और अगर टाइम मिलता है तो एक बार शाम को 4 बजे करीब भी फिर एक बार स्प्रे कर देती हूँ। तो आप 2 बार तो मैं आपको कहूँगी कि आप 2 बार तो कम से कम पानी का स्प्रे इनके ऊपर करते रहिए ताकि थोड़ी सी इनके अंदर जान बची रहे। देखिए गर्मी इतनी तेज़ होती है कि फूलों के साइज़ में भी फ़र्क आने लग गया, एकदम से छोटे होने लग गए हैं। अभी विंटर के फ्लावर्स भी देखिए कुछ हमारे चल रहे हैं, तो ये मैंने ये डॉग फ्लावर को भी इसके अंदर जो है रख दिया है घुसेड़ के, इसलिए ताकि जो है बचा रहे। अब ये पर्स लेना है, पोर्चुलाका है, ये तो हमारी गर्मियों में अच्छे चलते ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक चीज़ देखी फ्रेंड्स, जैसे ये पर्सलिन जो मैंने नेट के नीचे रखा हुआ है इसके फ्लावर हमारे शाम तक 5 बजे तक खिले रहते हैं, और एक ये वाला प्लांटर मैंने उस तरफ रेलिंग के टांग रखा था तो उसके फ्लावर जो है 2-2:30 बजे ही बंद हो जाते थे। और ये देखिए ये इस स्टैंड पे मैंने अपने कनेर और हिबिस्कस वगैरह यहाँ पे रखे हैं, और फिर भी मैं सोच रही फ्रेंड्स इधर वाले पोर्शन में भी नेट लगवा दूँ क्योंकि ये हाइब्रिड वाले जो हमारे हिबिस्कस होते हैं ये इतनी ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, फिर क्या होता है इनकी बर्ड्स बनती हैं लेकिन गर्मी के मारे जो है खुल नहीं पाती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी जब बढ़ जाती है। ये मोगरा वगैरह है ये तो हमारे देखिए अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और आप एक काम और भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक पानी से भरी हुई बाल्टी भी आप अपने पौधों के पास रख सकते हैं ताकि जब ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो पानी की भरी बाल्टी से क्या है वो उसमें इवेपोरेशन होता है तो पौधों के अंदर जो है उसकी वजह से भी थोड़ी सी आपस में नमी बनी रहती है। और पौधों को एक साथ ग्रुप में रखिए, देखिए जैसे मैंने इस स्टैंड में एक साथ 8-10 पौधे रख दिए हैं, और ये स्टैंड मैंने थोड़ा हाइट पर बनवाया था तो मैं दोपहर के समय कुछ पौधों में जैसे 3-4 घंटे की धूप लग जाती है तो उनको खिसका के नीचे की तरफ कर देती हूँ ताकि थोड़ी ठंडक बनी रहे और जो है ये थोड़े से बचे रहें। ये चिली का प्लांट है मेरा, तो आपको भी फ्रेंड्स ऐसा करना पड़ेगा, गर्मियों में प्लांट्स को थोड़ा सा ग्रुप में रखिए, पानी का स्प्रे करते रहिए, पानी से भरी बाल्टी रख दीजिए और ग्रीन नेट लगवा दीजिए, और हो सके तो ग्रीन नेट पर भी मैं कभी कभी थोड़ा स्प्रे कर देती हूँ ताकि उससे फिर जो हवा चल कर आए तो वो भी जो है पौधों को थोड़ी ठंडक सी मिल जाए। ये देखिए मैंने कुछ सीड डाल दिए थे तो इसमें एक प्लांट निकल आया था और एक और मुझे लग रहा है कि निकल आया, ये सूखी हुई मिर्च के ही मैंने सीड जो है स्प्रेड कर दिए थे।
अब हिबिस्कस वगैरह को भी आप फ्रेंड्स जो है इतनी गर्मी में 3-4 घंटे की सनलाइट मिल जाए, 4 घंटे की बस बहुत होती है, तो उससे ज़्यादा सनलाइट पे जो है फिर ये भी इन पे प्रॉब्लम होने लगती है। देखिए अभी हाइब्रिड वाला हिबिस्कस है मेरा, अब ये बर्ड मेरी कई दिन से नहीं खुल रही है, 3-4 दिन हो गए हैं और मैं इसका वेट कर रही हूँ। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, एक तो जो है इसके अंदर इंसेक्ट का अटैक भी हो सकता है, तो उसके लिए मैंने इस पर वुड ऐश डाल दी है, वो वाली वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। या फिर जब एकदम से टेम्परेचर चेंज होता है, यानी एकदम से सर्दी से गर्मी आती है, तो भी जो है हिबिस्कस के प्लांट कुछ शॉक में आ जाते हैं, तो उस शॉक में भी ये क्या करते हैं कि बर्ड्स बन भी होती हैं उसके बाद भी ये उनको खिल नहीं पाती हैं बर्ड्स, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा जो है ये अपने आप को इस मौसम में एडजस्ट कर लेंगे इस गर्मी में जो है, उसके बाद फिर इसमें जो है फ्लावरिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। और इस कॉर्नर पे मैंने फ्रेंड्स अपने ये देखिए जो है यहाँ पे 2:30 बजे तक की धूप रहती है मॉर्निंग से, तो मैंने बोगनविला रख दी है, क्योंकि बोगनविला हमारा बहुत ही हार्डी प्लांट है जो काफ़ी गर्मी बर्दाश्त कर लेता है और उसको कुछ नहीं होता है। हाँ, दिन में स्प्रे में ज़रूर इस पर 2 बार कर देती हूँ। यहाँ मैंने अपने सारे बोगनविला रख दिए हैं, और इधर नीचे के जैसे मधुमालती वगैरह है, ऐसे प्लांट्स हैं जिनको 4-5 घंटे की धूप चाहिए, क्योंकि मधुमालती को तो आप जितनी सनलाइट दें वो तभी जो है उस फ्लावरिंग पर आती है, क्योंकि ये अभी मैंने नया ही ऐड करा है प्लांट, अभी मैंने इसको रिपॉट भी नहीं करा है। और ये मिनी सनफ्लावर, इसको भी मैं खिसका के पीछे की तरफ कर देती हूँ जब इसको 2-3 घंटे की धूप लग जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है, अगर हम फुल डे की सन में हम किसी भी प्लांट को रखेंगे फ्रेंड्स तो इतनी तेज़ गर्मी में वो बच नहीं पाएंगे। तो ये छोटे छोटे से काम करके वाटर की शावरिंग करते रहें, ग्रीन नेट लगवा लें और प्लांट्स को ग्रुपिंग में रखें, इस तरीके से आप छोटे छोटे से ये काम करते हुए जो है आप अपने प्लांट्स को गर्मियों में बचा सकते हैं, क्योंकि बालकनी में हमारे पास कोई जो है बड़े बड़े पेड़ों का झुंड नहीं होता है जिनमें हम नीचे प्लांट्स को रख के जो है ठंडक दे सकें और जो है उन्हें बचा पाएँ, तो बालकनी में हम ये छोटे छोटे से उपाय करके ही बचा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ टिप्स ले सकें। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।